गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा आपका टॉपिक है कल मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कराया था एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना था तो हमने टेम्परेचर में इंक्रीज किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया था और जिस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया था जितना हमने उसी को क्या कह रहे थे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उससे हमने थोड़ा डेरिवेशन किया था डेरिवेशन तो क्या था एक फॉर्मूला मात्र था बस और उससे हमने मॉलिकुलर मास भी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया था बेटा सेम एज डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग बिल्कुल उसी की तरह है ज्यादा कुछ नहीं है पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस आर इन ऐसा टेम्परेचर है जिस पर मानो अगर ये दो कंडीशन है ये दोनों जिस पर इक्वल ब्रेम में हूं वो टेम्परेचर की रेंज अगर मैं कह दूं ये होता है टी नोट एफ हमने यहीं से तो उसमें करी थी हमने टी नोट बी से शुरुआत हमने ग्राफ बना दिया है किस किस के मिडल था ये तो टेम्परेचर वाली लाइन थी और ये यहाँ पर क्या था वेपर प्रेशर और ये बेटा ये ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे जो आपका सॉलिड फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म है वो इक्वल में है ये मानो यहाँ सॉलिड है और ये मानो यहाँ लिक्विड अब एग्जामनर का जो क्वेश्चन है वो है सॉल्यूशन क्योंकि हमारे पास तो एक तो प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन है जैसे लिक्विड और सॉल्यूशन का हमने लिया था अब की बार हमें ऐसा टेम्परेचर पता चल गया सॉरी <coughs> अब की बार हमें ऐसा पता चल गया कि एक टेम्परेचर वो है ये वो रेंज है जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्वल में है और अगर मैं यही चीज़ सॉल्यूशन के लिए करना चाहूँ सॉल्यूशन अगर मैं सॉल्यूशन के लिए करना चाहूँ तो क्या कंडीशंस होंगी थोड़ा सा मैं पहले समझाता हूँ तब बताऊँगा पहले मैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट इज द टेम्परेचर ये नोट्स बना लेने बेटा अपने फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ द the आर इन in equilibrium. आर इन equilibrium. अब हमें पता है वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो प्योर सॉल्वेंट से लेस होता है कल ही मैंने बताई थी वी नो दैट ऐसे लिख देंगे वी Know that the vapor pressure of solution is less than that of the pure solvent, that of the pure solvent. अब प्योर सोलवेंट से अगर कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर ऐसा है जिस जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इक्वल भाई अगर हम कहें फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इक्वल देर फोर फॉर द सॉल्यूशन दिस विल अकर एट द लोअर टेम्परेचर भाई हमारे पास एक टेम्परेचर वो है जब सॉलिड और लिक्विड फ्रेम के लिए एक है मानो हमें ये वो टेम्परेचर है जिससे थोड़ा टेम्परेचर मानो फ्रिज में तो आपके बर्फ़ रखी हुई है आइस जमाने के लिए पानी रख दिया आपने दस मिनट बिजली आई तो उसमें जाली टाइप स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है दस मिनट बिजली और आ जाए लाइट और आ जाए तो क्या होगा आइस कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन अगर वहीं लाइट चली जाए तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो वाटर होता है ना वो आइस होता है अब बात करी जा रही है कि अगर वहाँ उसकी जगह हम सॉल्यूशन को रख दें पानी की जगह कोई सॉल्यूशन अगर हम रख दें तो हमें जो दस मिनट लाइट आनी थी वो पंद्रह मिनट लानी पड़ेगी टेम्परेचर में थोड़ा और ज़्यादा डिक्रीमेंट करना पड़ेगा तो टेम्परेचर मैंने इतना डिक्रीज कर दिया ये इसे क्या कह रहे हैं टी एफ घटे हुए टेम्परेचर उसमें तो हमने बढ़ाया था क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को उसकी फॉर्म में लाना था यहाँ थोड़ा और ज़्यादा आ, लाइट आनी चाहिए मीन्स टेम्परेचर फ्रिज का डिक्रीज ही तो होगा जब आइस बनेगी तो यहाँ क्या है डेल टी एफ सेम एज अब ये इतना टेम्परेचर रह गया ये पहले इतना था अगर मैं एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहूँ डेल टी एफ निकालना चाहें तो क्या निकलेगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ टी नोट एफ माइनस टी तो ये हमारे पास आ, आ जाएगा फिर एक्सप्रेशन अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट का दूसरे तरीके से करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो कंसंट्रेशन पे फिर से डिपेंड किया जैसे कल हुआ था डेल टी एफ डायरेक्ट पोशनल सी अब जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है तो कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है ना मोल टी पे डेल टी एफ पोशनल टू एम और डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम एफ मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, टी एफ टी एफ क्या है मोलल डिप्रेशन या तो हम ऐसे कहते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है और अब अगर इसे एक वर्ड और ध्यान रखना इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह देते हैं ये जो के एफ है ना इसको क्या बोल देते हैं हम क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऐसे ही अगर यहां के बी जो होता है उसको एल्यूबोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं एल्यूबोस्कोपिक बाई चांस पूछ लेते हैं एलिबोस्कॉपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है क्राइस्कॉपिक कॉन्सटेंट क्या होता है तो ध्यान रख लेना आ गया ध्यान पे तो बता दिया यहाँ के भी जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो एलिबोस्कॉपिक कॉन्सटेंट रहता है ये टी एफ अब बेटा सेम है टी एफ इक्वल टू के एफ और एम का तो हमें पता है डब्ल्यू टू थाउजेंड अपॉन एम टू और डब्ल्यू वन एम टू अगर हमें निकालना है तो एक तो ये हो गया हम यहाँ से डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं दूसरा एम टू के एफ डेल टी एफ डब्ल्यू वन और अगर हमें ये निकालना है के एफ तो के एफ के लिए फॉर्मूला बन जाएगा के एफ के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा एम टू मल्टीप्लाई बाय डेल टी एफ डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू में थाउजेंड ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई ज़्यादा कुछ याद आप करना नहीं है केवल जैसे पहले वाला था सेम है ये मैं नुमेरिकल दूंगा बेटा करने ज़रूर है थैंक यू ये एक बार फिर से देख लो समझ लो हमें क्या है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है टेम्परेचर का फंडा यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है सिर्फ़ इतना ही इमेरिकल आएगा थियोरटिकल बाय चांस ही पूछा जाएगा दस परसेंट चांस थियोरटिकल के नब्बे परसेंट चांस इनमेरिकल इस क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी में से